अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी शाहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। डॉक्टर रुबीना ने मेरा इंट्रोडक्शन तो कराया। मेरा नाम सनी मुहियुद्दीन है और मैं इंटेंसिव केयर फार्मासिस्ट हूँ डॉक्टर रुद के एम फाओ सिविल हॉस्पिटल कराची के अंदर। मैंने फार्मेसी करी है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। अगेन मास्टर्स किया मैंने फार्माकोलॉजी के अंदर, अगेन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। एंड डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम IBA। जो आज टॉपिक डिस्कस करना है मुझे आप लोगों के साथ, उस टॉपिक का नाम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द मेडिकेशन सेफ्टी एंड द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। द थिंग्स विच आई एम डिस्कसिंग टूडे विद यू गाइज आर द मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग इन द COVID-19, स्पेशली पर्टिकुलरली लासा ड्रग्स। वट आर लासा ड्रग्स एंड हाउ वी कैन मैनेज? हाई अलर्ट मेडिकेशंस क्या होती हैं और हम उनको किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं? मेडिकेशन स्टोरेज क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? एंड वट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ मेडिकेशन मैनेजमेंट ड्यूरिंग COVID-19? माई फर्स्ट स्लाइड इज वाई मेडिकेशन सेफ्टी। मेडिकेशन सेफ्टी क्यों जरूरी है? सेफ्टी क्यों जरूरी है? वट आर द सेफ्टी पैरामीटर्स डेट वी आर टेकिंग नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट। आप सबको मैं चाहूंगा कि वो डॉनिंग डॉफिंग से तो काफी लर्न कर चुके हैं, काफी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, काफी उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। उस डॉनिंग डॉफिंग से एक सेफ्टी पैरामीटर तो जरूर हो गया है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस COVID-19 के वायरस को हम अपने आप को लगने ना दें। इसी तरीके से सेफ्टी, हम अपनी लाइफ के अंदर डेली बहुत सारे सेफ्टी पैरामीटर्स ले रहे होते हैं। जैसे मैं अपने घर से निकला, यहाँ तक आया आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो बहुत सारे सेफ्टी पैरामीटर्स ऐसे हैं जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सुबह सुबह लिए होंगे। जैसे व्हेन आई स्टार्ट माय कार, बिफोर स्टार्टिंग दुआ पढ़ी मैंने कि कोई अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह कोई एक्सीडेंट ना हो और मैं सेफली जो हूँ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाऊँ। इसी तरीके से मैंने सीट बेल्ट वेयर करी जो उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर यहाँ पहुँचने से पहले पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो सेफ्टी पैरामीटर्स के हिसाब से हम अपनी आम लाइफ के अंदर, आम जिंदगी के अंदर ले रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर व्हेन आई ऑन माय रेडियो स्विच, तो वो एक अबाउट द सेफ्टी ऑफ द कोरोना वायरस, वो एक मैसेज चल रहा होता है कि कोरोना वायरस की वफा जानलेवा हो सकती है, तो इसलिए आप अपना मास्क जरूर पहने, अपने आंखों को सेफ रखें, अपने आंखों को या मुंह को बिला जरूरत अपने हाथों से ना टच करें, अपने हाथों को साफ सुथरा रखें। इसी तरीके से ये सेफ्टी पैरामीटर्स हम पूरी लाइफ के अंदर अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, ताकि इस COVID-19 के वायरस से हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से बहुत सारे सेफ्टी पैरामीटर्स हमारे मेडिकेशन के अंदर भी होते हैं, जब हम मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं, जब मरीजों के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उन सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट थिंग इज एंड एज इन कुरान, एंड वेन एवर सेव्स वन एंड हू एवर सेव्स वन, इट इज एज इफ ही सेव हैड सेव मैनकाइंड एंटायरली। जैसे अगर हम एक इंसान की अगर जान बचा सकते हैं तो हम पूरी इंसानियत की जान बचा सकते हैं। एंड द सेफ्टी ऑफ मेडिकेशन इज अ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी ऑल वर्क टूगेदर फॉर द सेफ्टी। WHO कुछ सेफ्टी की, मेडिकेशन सेफ्टी के मूवमेंट्स कैसा है कि वो एक पूरा उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है डेट वी कॉल्ड एज द फाइव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेडिकेशन सेफ्टी, फाइव डिफरेंट मूवमेंट। When you are starting the medication, when you are taking medication, when you are adding a medication, when you are reviewing a medication, when you are stopping the medication. This is starting from when the patient comes, आपके पास एक मरीज आता है, उसकी दवा है, स्टार्ट होनी है, उस दवा को खिलानी है, उस दवा के अंदर कोई दवा और ऐड करनी है, उस दवा की कोई रिव्यू लेना है किसी कंसल्टेंट से, कोई रिव्यू चाहिए, और वो दवा जब स्टॉप करनी है, इन तमाम स्टेप्स के अंदर कोई ना कोई ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको अंदर मेडिकेशन सेफ्टी के बहुत सारे पैरामीटर्स शामिल हैं। सो फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द मेडिकेशन एरर। दुनिया के अंदर वो कहते हैं द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन एरर इज अबाउट $42 बिलियन एनुअली एंड इट इज ऑलमोस्ट 1% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। यूरोप के अंदर कहते हैं 15% ऑफ द हेल्थ एक्सपेंडिचर यूरोप ऑफ ट्रीटिंग सेफ्टी एक्सीडेंट, यानी कि 15% बजट का सिर्फ सेफ्टी एक्सीडेंट्स को ठीक करने के लिए खर्च हो जाता है। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसके अंदर बेसिकली बताया गया है मेडिकेशन एरर द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द US एंड मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग इज अ सेंसिटिव टॉपिक, डिफिकल्ट टू डिस्क्लोज एन एरर
बिकॉज हम क्या करते हैं कि कोई एरर हो जाता है तो उसको डिफिकल्ट हमारे लिए ये मुश्किल होता है कि हम उस एरर को डॉक्यूमेंट करें, बताएं लोगों को, या हम सिर्फ ये सेफ्टी ले लेते हैं कि हम बताएं नहीं ताकि कोई चीज़ डॉक्यूमेंट ना हो, कोई चीज़ रिपोर्ट ना हो, और हम अपने आप को भी सेफ करते हैं। इसी वजह से हमारी कंट्री के अंदर डेटा कलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मिसिंग आ रहा होता है बहुत सारी जगहों पे। वट फर्स्ट थिंग टू डू, हमें पहले क्या करना है, हमें अवेयरनेस रेज करनी है, हमें बताना है, किसको बताना है, मेडिकल डॉक्टर्स को बताना है, फार्मासिस्ट को बताना है अगर वो कोई गलती कर रहे हैं, अगर कोई इंटर्न्स हमारे साथ काम कर रहे हैं अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो एरर रिपोर्ट करना है, नर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, केयर गिवर्स हैं, केयर असिस्टेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं, और एनी स्टाफ, कोई भी स्टाफ जो इन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व है, जो मरीज के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अगर कोई भी एरर हो जाता है तो उस एरर को हमें डॉक्यूमेंट करना निहायत ही ज़रूरी है। Why medication error? What is a medication error? A medication error is an event that eventually happen, कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, और ये एक ऐसा इवेंट है जो पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है। इट मे हार्म टू द पेशेंट, इट मे नॉट, बट द डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, विच ऑफ द मोस्ट ऑफ द टाइम कुड हैव बीन अवॉइडेड। हम उसको रोक सकते थे, हम बता सकते थे, हम डॉक्यूमेंट कर सकते थे, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। इन रियल इन्वॉल्व इन द स्पेसिफिक पर्सन, मोस्ट ऑफन द रिजल्ट ऑफ डिसफंक्शन इन मेडिकेशन वर्क फ्लो मैनेजमेंट। एवरी स्टेप ऑफ मेडिकेशन वर्क फ्लो इज सब्जेक्ट टू मेडिकेशन एरर, ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर इन्वॉल्व। यानी कि जितने भी स्टेप है मेडिकेशन वर्क फ्लो के, स्टार्ट फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शन एंड देन टिल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, उन सब के अंदर, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, डिस्पेंसेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के अंदर कोई ना कोई स्टेप्स ऐसे हैं जिनसे मेडिकेशन एरर हो सकते हैं, चांसेस हैं, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी इन लोगों के अंदर इन्वॉल्व है उन सब से कोई किसी ना किसी पार्ट के ऊपर कोई ना कोई एरर हो सकता है। सो दिस इज द मेडिकेशन वर्क फ्लो डायग्राम दैट स्टार्ट विद द प्रिस्क्रिप्शन। एक प्रिस्क्रिप्शन किसी मरीज के प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, देन द ट्रांसक्रिप्शन, कोई ना कोई उसको ट्रांसक्रिप्ट करता है, कोई ना कोई उसको बताता है, कोई ना कोई उसकी डिस्पेंसेशन करता है, फिलिंग करता है, और कोई ना कोई उसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है। दिस इज द कंप्लीट एंटायर वर्क फ्लो जो हम अपनी लाइफ के अंदर देख रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, बट दिस इज द ओनली कोल पार्ट। द मेडिकेशन वर्क फ्लो इज मच मोर देन दिस। प्रिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है? प्रिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि एक दवा, एक मरीज को कोई दवा, कोई चीज डायग्नोस हो गई, उसके अगेंस्ट पे, उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई ना कोई दवा प्रिस्क्राइब की जाती है, बेसिकली हम उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, जिसके अंदर कुछ बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो दवा वाला पार्ट है वो पर्टिकुलरली हमारी से रिलेटेड होता है। वो दवा वाले पार्ट को कोई ना कोई ट्रांसक्रिप्ट कर रहा होता है, कोई ना कोई बता रहा होता है, यानी कि कोई ना कोई उसको रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है, और फिर उसकी प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसेशन होती है, फिलिंग होती है, कि वो दवा उसी तरीके से फिल होती है जिस तरीके से ट्रांसक्रिप्ट की जाती है, एंड देन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। द ड्रग इज गोज टूवर्ड्स द मेडिकेशन वार्ड, इधर टू द पेशेंट, इधर टू द कस्टमर, और फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से उसकी गाइडेंस होती है कि ये दवा किस तरीके से देनी है, किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, और इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं, बेसिक पैरामीटर्स जिनको सामने रख के आपने देखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी दवा की मैनेजमेंट के अंदर, या किसी दवा की, दवा के स्टार्ट होने से लेके एंड तक के अंदर ये जितने पार्ट हैं, इन हर पार्ट के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ होती है जिसके अंदर आप मरीज को मेडिकेशन एरर के हवाले से भी वो कर लेते हैं और मरीज को दवा भी दे रहे होते हैं। दिस इज द सप्लाई चेन ऑफ द मेडिकेशन रिलेटेड। सप्लाई चेन मींस कि एंड टू एंड मैनेजमेंट। एक दवा अस्पताल के अंदर आती है, इस दवा के अस्पताल के अंदर से आने से लेके, यानी कि दवा के मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से लेके दवा को खिलाने तक, और खिलाने के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स तक, वो सारी चीजें इस मेडिकेशन की सप्लाई चेन के अंदर आती है। उसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ से अब दवा मैन्युफैक्चर्ड होती है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल के थ्रू दवा मेडिकल सप्लाई रिसिप्ट होती है किसी अस्पताल के अंदर, उसके बाद उसकी एक ऑर्गेनाइज इन्वेंट्री या डिस्पेंसिंग प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं, दवा कुछ कंपाउंड्स भी की जाती हैं, और स्टॉक मैनेजमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द होल सप्लाई चेन को। बट आई एम नॉट डिस्कसिंग, मुझे इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है, मेरा फोकस बेसिकली पार्ट ऑफ दैट मेडिकेशन एरर है। तो मेडिकेशन एरर का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, कि अगर हम बचाना चाहते हैं, अल्टीमेट हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए पेशेंट सेफ्टी के हवाले से, तो बेसिक जो है वो फाइव राइट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हम किसी भी दवा के हवाले से देख रहे होते हैं। जब एक दवा हमारे पास आ जाती है फार्मेसी से डिस्पेंस होके और दवा मरीज को लगनी होती है, तो बेसिक पैरामीटर हम क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं। देखिए, राइट पेशेंट, जो दवा हम दे रहे हैं, जिस दवा को हम इस्तेमाल करा रहे हैं, वो दवा उसी मरीज के लिए है, दैट इज द राइट पेशेंट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द राइट ड्रग, यानी कि वो जो दवा हम देने जा रहे हैं मरीज को, वो उसी दवा के लिए, वो दवा उस मरीज को प्रिस्क्राइब की गई है।
राइट डोज, जिस डोज के अंदर प्रिस्क्राइब गई गई वही है, राइट टाइम एंड द राइट रूट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम पैरासिटामोल मरीजों को दे रहे होते हैं फॉर द एंटीपायरेटिक इफेक्ट एंड एनल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। तो बेसिक क्या लिखा हुआ होता है एक प्रिस्क्रिप्शन पे, तो लिखा हुआ होता है पैरासिटामोल 1 ग्राम, द ड्रग नेम दैट इज द पैरासिटामोल, द डोज दैट इज व्हाट इन हाउ मच क्वांटिटी यू वांट टू द गिवन द ड्रग्स टू द पेशेंट, 1 ग्राम्स एवरी 6 आवरली और एवरी 8 आवरली, वेट एवर द फ्रीक्वेंसी यू हैव डिसाइडेड, और एज एन PRN बेसिस व्हेन नीडेड व्हेन रिक्वायर्ड वाया IV रूट वाया डेड ड्यूरेशन, इतने लंबे तक अरसे देने रहिए। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर सीइंग द प्रिस्क्रिप्शन, कि जब एक दवा की प्रिस्क्रिप्शन लिख जाती है उस दवा को उसके साथ सारी चीजें लिखी होती हैं कि पैरासिटामोल देनी है, 1 ग्राम देनी है, स्टैट में देनी है यानी कि अभी देनी है, या IV रूट से देनी है, और कितनी देर तक देनी है, ओवर 15 मिनट देनी है, ओवर 30 मिनट देनी है, एवरीथिंग इज राइट ऑन दैट प्रिस्क्रिप्शन। हम जो दवा देने वाले होते हैं या जो दवा लगाने वाले होते हैं उनका काम ये होता है कि वो उस प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होते हैं, और जब वो फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। इस प्रिस्क्रिप्शन फॉलोइंग के अंदर बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आम मरीज के साथ होते हैं, दवा देने वाले नर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, या कोई भी जो उसके साथ इन्वॉल्व हैं, वो इन तमाम चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं, उन तमाम चीजों को बता रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और फिर डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। अगर उस दवा से कोई रिएक्शन हुआ तो उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, अगर उस दवा के देने से कोई ऐसा इवेंट हुआ जो कि अनइंटेंडेड था, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस दवा के देने से ये इवेंट हो सकता है, तो उसको भी डॉक्यूमेंट करते हैं। उस डॉक्यूमेंटेशन के नतीजे के अंदर कोई ना कोई चीज एनालाइज होती है, कोई ना कोई चीज सामने आती है, कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो कि बीइंग एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर के सामने नहीं होती, लेकिन जब आप उस चीज से डॉक्यूमेंट करते हैं तो अल्टीमेटली वो चीज उस दवा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो जाती है, और द नेक्स्ट टाइम अगर हम वो दवा किसी को दे रहे होते हैं तो उन पैरामीटर्स को हम सामने रखते हैं। जैसे बहुत बाज औकात हम बहुत सारी दवा देने से पहले के देख लेते हैं मरीज को किसी चीज से कोई एलर्जी तो नहीं है, कि बहुत सारे मरीज होते हैं जो सल्फर ड्रग एलर्जिक होते हैं, बहुत सारे ड्रग होते हैं जो पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं किसी दवा के साथ, तो वो पहले से बता देते हैं कि हम इस दवा को पहले अपने साथ ले चुके हैं और उससे हमें ये रिएक्शन हुए हैं, तो वो एलर्जी डॉक्यूमेंट हो जाती है, तो अल्टीमेटली वो इवेंट उनकी लाइफ के साथ दोबारा नहीं होता है। इसी तरीके से जब हम दवा दें तो हम वो उसको देख लें कि कोई एलर्जी तो डॉक्यूमेंट नहीं है इस दवा के साथ, और इसी तरीके से कुछ बेसिक्स लैब पैरामीटर्स होते हैं उनको भी देख लेना चाहिए। इस 5 राइट्स के साथ साथ और क्या चीजें हो सकती हैं? राइट इंफॉर्मेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट एजुकेशन, राइट असेसमेंट एंड द राइट इवेल्युएशन। यानी कि हम पहले मरीज के साथ जब दवा दे रहे हैं तो 5 राइट्स का तो ख्याल रख रहे हैं, जो इस मरीज की जो दवा है वो उसी को दे रहे हैं, राइट ड्रग दे रहे हैं, राइट डोज में दे रहे हैं, राइट टाइम पे दे रहे हैं, राइट रूट से दे रहे हैं, जो रूट डॉक्यूमेंटेड है उसी रूट के थ्रू वो दवा दी जा रही है। मल्टीपल रूट्स हैं, IV के रूट्स अलग हैं, ओरल रूट्स अलग हैं, तो वो जो चीज जिस तरीके से डॉक्यूमेंट होती है, जिस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन होती है, हमें उसी तरीके से उस मरीज को वो दवा देनी होती है। अब हमारा उसके साथ और दूसरे क्या क्या काम है जो हमें देखने चाहिए? राइट इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि जब हम दवा दे दें तो हम डॉक्यूमेंट तो करते हैं, साथ साथ लिख देते हैं मेडिकेशन शीट के अंदर, चार्ट जो शीट होती है या ऑनलाइन पोर्टल है किसी के पास, तो उसके अंदर लिख देते हैं कि हमने ये दवा इस मरीज को इतने बजे इतनी डोज के साथ हमने दवा एडमिनिस्टर्ड कर दी, दैट इज बी कॉल्ड एज अ डॉक्यूमेंटेशन। एंड वॉट अबाउट द इंफॉर्मेशन, हम उसकी इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं किसको, जब हम अपनी ड्यूटी फिनिश करके जा रहे हैं या कोई डॉक्टर हमसे कोई सवाल पूछ रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, ये दवा इस मरीज को इतने बजे दी गई थी और इस मरीज को इस दवा के मिलने की वजह से ये इवेंट हुआ या इवेंट नहीं हुआ, कोई भी जो भी चीज है वो हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड किसी को बता रहे होते हैं। एंड द राइट एजुकेशन अबाउट द ड्रग, अगर हमें कुछ दवा के बारे में कुछ पता है, वी आर एजुकेटिंग द अदर वन एज वेल। राइट असेसमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव द जो हमारे नर्स हैं, जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो उनके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, दे आर वेरी अवेयर अबाउट दैट, द पेशेंट मेडिकेशंस, पेशेंट असेसमेंट, पेशेंट इवेल्युएशन, एवरी थिंग विद दैम। उनके पास लैब्स होती है, उनके पास बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, उनके पास हर एक एक चीज का प्रॉपर राइट टाइम का रिकॉर्ड होता है, एंड दे आर गिविंग द वेरी गुड प्रेजेंटेशन टू एवरी वन। सो
Next, along with this medication error, is the look alike and the sound alike drugs. It's a very important drug, a very important parameter that usually हम देख रहे होते हैं अस्पतालों के अंदर देख रहे होते हैं. पब्लिक सेक्टर के अंदर अलग है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अलग है, हर जगह के अलग अलग चीजें होती हैं जिनको हम व्यू कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं. इनसे एरर डॉक्यूमेंटेड है. आईएसएमपी के कुछ इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ने कुछ चीजें बताई हैं, सोसाइटी को एजुकेट करी है, उसके हवाले से कुछ चीजें मेडिकेशन लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स के हवाले से भी हैं. यानी कि वो दवाइयाँ जो दिखने में एक जैसी होती हैं वो बेसिकली कहलाती हैं लुक अलाइक, और ऐसी दवाइयाँ जो हम सुनते हैं जब हम आपस में उस दवाओं के बारे में ऑडिबल सेंसेशन हमें एक जैसा साउंड देते हैं उसे हम कहते हैं बेसिकली साउंड अलाइक ड्रग. तो ये वाकई में ही होती हैं, अस्पतालों के अंदर भी होती हैं और आम जनरल कम्युनिटी के अंदर हम काम कर रहे होते हैं वहाँ भी होती हैं. कुछ गवर्नमेंट के अंदर अलग होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर एक बेसिक पैरामीटर होता है, जो दवा होगी वो ग्रीन लेवल होकर आएगी. अगर हमारे पास जो एक ही मैन्युफैक्चरर की दो दवा अप्रूव्ड हो जाती है और उन दो दवाओं के वाइल एक जैसे हैं और दोनों दवा के लेबल ग्रीन हो गए तो वो एक जैसे दिख रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम एरर के चांसेस होते हैं. तो हमें सेग्रीगेट करना बताना होता है कि ये दो दवा एक जैसी है, चाहे वो अच्छा उसमें कुछ क्रिटिकल दवाएं भी होती हैं जिनके लगने की वजह से कोई पेशेंट का हेल्थ का रिस्क इन्वॉल्व होता है. तो ये एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देख के दवा दें. जैसे ये देखें हमारे सामने एक एरिथ्रोपोइटिन का वाइल है, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं बट सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, एक के अंदर 2000 इंटरनेशनल यूनिट है, एक के अंदर 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स है. अगर किसी मरीज को 4000 इंटरनेशनल यूनिट देने हैं और अगर 2000 के यूनिट्स मिल जाएं तो वो सब थेराप्यूटिक डोज होगी, वो इफेक्टिव नहीं होगी. और अगर किसी को 2000 देना था 4000 मिल जाए तो वो भी ठीक नहीं है कि हम अपनी जो एक्चुअल प्रिस्क्राइब डोज है उससे ज्यादा दे दें. मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देख रहे होते हैं कि वन ड्रग इज एसाइक्लोविर, अनदर वन इज वैंकोमाइसिन, वन इज एंटी वायरल, अनदर वन इज टू यूज टू ट्रीट द हमारे यहाँ हॉस्पिटल मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफोरियस होता है, दैट इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इज द वैंकोमाइसिन. तो अगर आप देखें तो दोनों एक जैसे ही होते हैं. अगर मैं इसके वाइल भी देखूंगा तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन अगर किसी को वैंकोमाइसिन चाहिए टू ट्रीट द एमआरएस है और उसको ए साइक्लोविर चले जाए और जिसको ए साइक्लोविर चाहिए उसको वैंकोमाइसिन चले जाए, तो इट्स वेरी रिलेटेड टू द पेशेंट सेफ्टी. वो ड्रग जो है जिसकी नीड नहीं है किसी को, किसी की दवा चली जाएगी, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकल आई ड्रग्स. That is my favorite one. I saw multiple error with these kind of MBUs. सारे के सारे देखें एम्बर्ड कलर हैं, सारे एक जैसे दिख रहे होते हैं. हम जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम कर रहे होते हैं, इन MBUs को तोड़ रहे होते हैं, इन MBUs से दवा बना रहे होते हैं, तो वो सारे जब मेडिकेशन कार्ड के अंदर होते हैं या फार्मेसी के अंदर होते हैं, सारे एक साथ अगर एक जैसे MBUs रखे हुए होंगे तो देयर मे बी अ चांस के यू देयर इज अ डिफिकल्ट टू रीड इवन एज वेल कि होता क्या है कि जब ये व्हाइट कलर्ड से ब्राउन के ऊपर लिखा होता है एंड यू रब योर हैंड विद दिस एम्प्यूल, जब हम उसको हाथ लगाते हैं तो बाज़ औक़ात उनके लेबल्स मिस हो जाते हैं. लेबल्स हमारी हाथ की जो डर्ट होती है वो उनको स्टिक हो जाती है या इतने वो होते हैं कि मिट जाते हैं. तो देयर इज अ चांसेस ऑफ एन एरर ऑफ दीज काइंड ऑफ एम्प्यूल्स. सो व्हाट यू डू इज इम्पॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट वन व्हेन आई एम सीइंग मे बी आप लोग इसको देख सकते हो पढ़ सकते हो. फर्स्ट वन इज लाइक एन एट्रोपिन, सेकंड वन इज आर्टिफिन, थर्ड वन इज विटामिन के एंड फोर्थ वन इज एड्रीनलिन, फिफ्थ वन इज फ्यूरेसिमाइड, सिक्स्थ वन इज क्यूनीन. व्हेन यू सी एट्रोपिन एंड द विटामिन के अगर देखें तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे वाइल हैं बिल्कुल. बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है. विटामिन के ऊपर एक वाइट स्पॉट नजर आ रहा है, एट्रोपिन की एक छोटी सी रेड सी नेक लगी हुई है. लेकिन जब ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आम जिंदगी के अंदर आ रहे होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ इतने मिले हुए होते हैं, तो आप सोचें अगर किसी न्यूनेटल को विटामिन के लगना है उसकी जगह एट्रोपिन लग जाए, देयर मे बी अ रिस्क ऑफ अ लाइफ इन दैट. तो दीस काइंड ऑफ थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस. साउंड अलाइक मींस बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जो साउंड अलाइक्स होती हैं, सुनने में एक जैसे. हम वर्बल ऑर्डर ले रहे हैं, वर्बल ऑर्डर के अंदर हम किसी से पूछ रहे हैं, हमने किसी से डॉक्टर से कंसर्न कर लिया कि डॉक्टर साहब देयर इज अ सिम्टम्स ऑफ लाइक दिस एंड आई वांट टू स्टार्ट सम मेडिकेशन, कुछ दवा दे दी है मरीज को. सो डॉक्टर टोल्ड यू टू गिव अ लो सेक्स फॉर एज टू ओमीप्राजोल टू द पेशेंट दैट इज अ लो सेक्स एंड यू हियर अबाउट दैट डॉक्टर इज कंसर्निंग अबाउट द लेसिक्स. सो दीज आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स. लेसिक्स इज अनदर क्लास एंड द लो सेक्स इज अनदर क्लास. सो दीज आर द साउंड अलाइक ड्रग्स. ये कुछ साउंड अलाइक एक जैसे सुनने में मिली थी, इसी वजह से हम कहते हैं कि जब वर्बल ऑर्डर लें तो बार बार पूछ लें, स्पेल करवा लें, स्ट्रेंथ पूछ लें ताकि कन्फर्मेशन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वट आर द स्ट्रेटजीज दैट वी हैव टेकन टू रिड्यूस सच काइंड ऑफ एरर. हम क्या कर सकते हैं?
हम एक दूसरे के लेबल्स को जो है वो कलर कोडिंग कर सकते हैं, दूसरे कलर से टेप लगा दिया कि ये विटामिन के और एट्रोपिन का डिफरेंस है, ये एविल और लेसिस का डिफरेंस है, ये सेरिनेस और एफिनेफ्रिन का डिफरेंस है, कि हम उनके अंदर लेबल्स कर दें, कुछ अलग कलर की टॉपिंग कर दें ताकि हमें बता सकें कि ये अलग कलर की टॉपिंग की वजह से ये देयर इज समथिंग, कि हम उसको दवा को पढ़ लें पहले, दवा देने से पहले। हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, जैसे ये डब्यूटामिन विद एम्फोटेरिसमिन में हम खुद से लेबल्स बना सकते हैं, लेबल्स बना के उसके ऊपर चिपका सकते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ सेग्रीगेट हो। ओ दिस इज माय फेवरेट वन, एलिजिबल प्रिस्क्रिप्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ सच काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हम पढ़ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते, हमें पता नहीं होता क्या लिखा है। सो क्या आप देखने वाले कुछ बता सकते हैं, अपने पास लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे मेरे पास इस वक्त ऑडियंस नहीं है एंड आई एम विद यू ऑन द ऑनलाइन सेशन। सो आप खुद से देख देख के बताएं, इज इट टेग्राल और टेगामेट, कैन यू रीड दैट प्रिस्क्रिप्शन, सेकंड वन इज क्यूमियाडिन और कार्ड्यूरा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ सच काइंड ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन कि जिसके अंदर हमें नहीं पता चल रहा होता कि ये टेग्राल लिखी है, टेगामेट लिखी है और क्यूमियाडिन लिखी है और कार्ड्यूरा लिखी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डिड, व्हाट आई डिड, मैं ये आपको बता देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा जो हूँ वो किसी जो इस डॉक्टर ने लिखी होती है, अगर मुझे अंडरस्टैंड नहीं होती तो मैं उनको कॉल कर लेता हूँ, उनसे कनेक्ट कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, ताकि मुझे कोई राइट दवा मरीज को चले जाए, ऐसा ना हो कि मैं अपनी असेसमेंट की बेस के ऊपर कोई गलत दवा किसी मरीज को दे दूँ जिससे कोई भी एरर रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो मरीज आया है, उसने दिखाया है, और अगर उसको सही दवा नहीं मिलेगी तो डेट इज वेरी रॉन्ग विद, ओ दैट इज ऑल्सो इन अ प्रिस्क्राइबिंग एरर। नेम रेड ड्रग इज इट 60 रेगुलर इंसुलिन नाउ और 6 यूनिट रेगुलर इंसुलिन नाउ, व्हाट यू रीड दिस वन, इज 6 यूनिट रेगुलर इंसुलिन नाउ एंड व्हाट फिल, फिल क्या हुई, 60 यूनिट्स। अगर आप सोचें एक मरीज को 6 यूनिट्स देनी है और उसकी जगह 60 यूनिट्स फिल होकर चले जाएं और 60 यूनिट्स लग जाएं तो वो कितना हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जा सकता है। तो इट्स बेटर कि हम क्या करें, हम पूछ लें, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ना हो हम किसी से दोबारा पूछ लें, दोबारा अंडरस्टैंड कर लें, ताकि कोई गलत चीज हम किसी को ना दे रहे हो। ये मेडिकेशन कार्ट है, हर किसी के अस्पताल के अंदर होता है, हर अस्पताल के अंदर इमरजेंसी कार्ड्स, इमरजेंसी स्टॉक्स, फ्लोर स्टॉक्स, वार्ड्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बाज़ अवकात जब भी हम देखते हैं, तो अब स्पेशली पर्टिकुलरली मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूँ तो हमारे लिए स्टार्ट में बड़ा मुश्किल था कि हर दवा एक जैसी दिखने वाली, हर दवा एक साथ एक दूसरे वाइल के अंदर, एक बिन के अंदर विटामिन के भी मिल रहा है मुझे, एट्रोपिन भी मिल रहा है, एटिलीन भी मिल रहा है, सारी एक साथ ही होती नहीं। तो व्हाट वी डिड, हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, प्रॉपर लेवल कर सकते हैं, प्रॉपर बता सकते हैं, और जो एक जैसी होती है उनको सेग्रीगेट टाइम पे रख सकते हैं, और कुछ टॉलमेन टेक्निक लेवलिंग कर सकते हैं कि कुछ अल्फाबेट्स बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, ताकि उससे ये होगा कि उससे सेग्रीगेशन होगी, कि उससे पता चलेगा कि ये लुक अलाइक हैं, इस वजह से इस टेक्निक्स के थ्रू इनको सेग्रीगेट रखा गया है, ताकि जब दवा हम दे रहे हों किसी मरीज को तो वो राइट मेडिकेशन दे सके। दीज आर द हाई अलर्ट मेडिकेशन, दैट इज वेरी सेंसिटिव एरिया। हमने ये बहुत लोगों को सिखाया है एंड हम चाहते हैं कि दो वर्ड जो भी मेडिकेशन मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्व है, जो भी दवा दे रहा है मरीजों के साथ, वो नीट क्लीन वैसे ही जरूरी है, तो नीट क्लीन का वर्ड जरूर याद रखें। जैसे हम नारकोटिक्स दे रहे होते हैं, मॉर्फिन, पैथिडिन, फेंटेनिल, उनके साथ कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दीज आर द हाई अलर्ट मेडिकेशन। ये ऐसे ही नहीं होता किसी भी मरीज को, जस्ट लाइक एन ओटीसी दवा नहीं है कि पैरासिटामोल आप दे दें तो ठीक है, लेकिन ये दीज आर नॉट लाइक ओटीसी ड्रग्स, दीज आर द हाई हाई अलर्ट मेडिकेशन डेट शुड बी डिस्पेंस, डेट शुड बी गिवन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथराइज डॉक्टर, जिसमें नारकोटिक्स हैं, कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मेरे पास, पोटेशियम हमारे सामने, अभी रिसेंटली बहुत सारे पोटेशियम इंसिडेंटेड रिपोर्ट हैं, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, हाइपरटॉनिक स्लाइंस हैं। सो ये वो इलेक्ट्रोलाइट है कॉन्सेंट्रेटेड, जिनको उन्हें देने से पहले बहुत सारे सेफ्टी पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए, हम देने से पहले पूछ लें, डॉक्टर से कंसर्न कर लें, अपने किसी सीनियर से पूछ लें, ताकि कोई हम गलती ना करें। एंटीकॉगलेंट अगेन, हेपरिन एंड वॉरफेरिन, टी फॉर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स, सी फॉर कीमोथेरापेटिक ड्रग्स, एल फॉर लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स दैट आई एम ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइस, इंसुलिन्स एंड द न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं, जब ये दवाएं हम दे रहे हैं किसी भी मरीज के साथ, तो इनके साथ कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उस दवा से देने पहले हम पूछ लें, डिस्कस कर लें, किसी से बता लें फिनिश फॉर्म पे। तो अच्छा, टाइम मेरे पास कम रह गया, आई एम जस्ट वॉन्ट टू फिनिश, मेडिकेशन स्टोरेज के हवाले से मैं जरूर बताना चाहूंगा, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो फ्रोजन होती हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, कुछ वैक्सीन हैं सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर रिक्वायर्ड होती हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ दवाइयों के ऊपर लिखा हुआ होता है 8 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लिखी, और कुछ दवाएं पे लिखा होता है कि बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टोर करें, कुछ
कुछ टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर होता है, तो जिस दवा को जिस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करना होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। किसी भी अस्पताल के अंदर काम करें, कहीं पे भी काम करें, जिस दवा के ऊपर जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उसको मेंटेन करें, क्योंकि ये दवा की एफिकेसी के ऊपर इन्वॉल्व होती है डायरेक्टली चीजें। हम ये नहीं हो सकता कि इंसुलिन के साथ जो रिक्वायरमेंट है अगर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो इट्स ओपनिंग, तो हम उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर नहीं करा सकते हैं, उसकी एफिकेसी लूज हो जाएगी। जब हम दवा दे रहे होंगे लेकिन उसके इफेक्ट्स नहीं आ रहे होंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो इस मेडिकेशन के ऊपर जो स्टोरेज क्राइटेरिया दिए हुए होते हैं वो उस स्टोरेज क्राइटेरिया को मेंटेन कीजिए। उसके बाद दवा इस्तेमाल होने के बाद, दवा डाइल्यूट होने के बाद उसकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, और वो रूम टेम्परेचर पे भी रह सकती है, वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी रहती है। तो उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको नहीं पता अगर, तो आप अपने अस्पताल के अंदर मौजूद फार्मासिस्ट से पूछ लीजिए, जो उसके स्पेशलाइज लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, लेकिन इस जिस चीज की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल जरूर कीजिए। सो दीज आर सम स्ट्रेटजीज डेट वी है आई एम टेकिंग ड्यूरिंग दीज COVID-19 पेंडेमिक इन द होल सिटी। हमने सिविल के अंदर कुछ चीजें करी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने लो रिसोर्स के ऊपर काम किया, हमने बहुत सारे स्टाफ्स को स्टार्ट के अंदर ही एक्सपोज नहीं किया, हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई, आउट पेशेंट प्लान अलग बनाया, हमने कुछ प्रोटेक्टिव शील्ड वीडियो वो लगा दी, विंडोज बना दी, ताकि पेशेंट से और हमारा इंटरेक्शन, पेशेंट काउंसलिंग तो होती है मेडिकेशन की, लेकिन थोड़ा सा जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पैरामीटर्स है हम उनको फुलफिल कर रहे होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, डिस्पेंसेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ऑलरेडी मैं बिल्कुल गुफ्तगू कर चुका हूँ। बहुत सारी जगहों पे कंप्यूटराइज फिजिशियन ऑर्डर एंट्री सिस्टम है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे नहीं होता है, मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन जारी होती है, उस प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू दवा फिल होके आती है। हमारे यहाँ बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम है, हम ऑनलाइन दवा एंटर करते हैं, ऑनलाइन दवा हमारी फार्मेसीज तक आती है, उस फार्मेसीज तक पहले मेडिकेशन नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मेडिकेशन सारी मरीज की उसके हिसाब से कलेक्ट करके लेकर जाती थी, लेकिन अब हमने उसको भी रिड्यूस कर दिया, हमने कुछ पोर्टल्स इन्वॉल्व कर लिए हैं ताकि उनके लिए भी आसानी रहो, वो भी रिस्क पे ना हो, उनकी सेफ्टी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी सेफ्टी है, जितनी डॉक्टर की सेफ्टी है। हर एक एक स्टाफ को प्रॉपरली जो है सेफ्टी पैरामीटर्स के साथ इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे वो स्वीपर्स हो चाहे वो डॉक्टर्स हो, हर हर जगह के ऊपर पैरामीटर्स हैं। कुछ फार्मासिस्ट रिव्यू हो जाते हैं, दवाओं को दोबारा देख लिया जाता है, फिलिंग के ऊपर कुछ पैरामीटर्स लिए गए कि कौन कौन से फिलिंग्स के पैरामीटर्स हम अच्छे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं कि हम अपने पार लेवल्स को कुछ बढ़ा सकते हैं, हम का मेडिकेशन कार्ड जो मेडिकेशन के साथ रेड जोन और ग्रे जोन के एरियाज हैं उनके अंदर अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, ताकि उन दवाओं को अच्छे तरीके से जो मरीज की रिक्वायरमेंट है हम फुलफिल कर सकें। कोई भी दवा उस वक्त अवेलेबल, नॉन अवेलेबिलिटी के चांसेस हमारे पास बहुत रिड्यूस हों। 5 राइट्स हम फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ एलर्जी अगर डॉक्यूमेंटेड है तो वो हम जरूर देख लेते हैं, और ये जरूर देखते हैं कि जो ऑर्डर, जो दवा हम देने जा रहे हैं वो किसी ने स्टॉप तो नहीं कर दिए, वो ऑर्डर इस वक्त तक एक्टिव है या नहीं है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसा ना हो कि अगर पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेंटम चलनी थी और इन्फेक्शियस कमिटी के साथ जब रिव्यू हुआ तो डेट मेडिकेशन इज स्टॉप एंड द न्यू एंटीबायोटिक इज मेरोपेनम, तो जो दवा देने वाला है वो जरूर देख ले कि जो टेंजो है वो एक्टिव है या डीएक्टिवेट कर दी गई है और उसी जगह पे कोई नई एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी गई है। डेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट बात। हम क्या करते हैं, हम मिस कर जाते हैं और फिर हम वही दवा दे रहे होते हैं, फिर नेक्स्ट डोज जो है उसको एक दिन बाद मिलता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम उस चीज को रिव्यू कर लें, हम देख लें एक्टिव ऑर्डर कौन से हैं हमारे पास और कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जो एक्टिव से डीएक्टिवेट कर दिए गए। मेडिकेशन फ्लोर कार्ड मैं बता चुका हूँ, हम उसके अंदर बहुत सारी इमरजेंसी दवाएं रख लेते हैं ताकि उस मरीज की अगर कोई इमरजेंसी नीड हो तो वो वहां से फुलफिल हो जाए, उस दवा के लिए उसको टाइम ना लगे। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स भी इसी तरीके से हमने कुछ अपने पास रेड जोन्स के अंदर ही रखे हुए हैं, ऐसा ना हो कि एक ड्रिप के लिए भी एक मेडिकेशन नर्स को बाहर आना पड़े। तो ये इंपॉर्टेंट सेफ्टी पैरामीटर थे जो हमने रखे हुए हैं। कुछ दवा हम अंदर से बाहर नहीं आने देते, रिफंड पॉलिसी नहीं रखते कि ये अंदर दवा चले गई तो बाहर आ जाए, नो, अनटिल एंड अनलेस लॉन्ग एक्सपायरी की मेडिकेशन है यूज हो सकती है तो डेट मेडिकेशन इज इनसाइड आउट। डिस्पोजल प्रोसेस इज वेरी मच डिफाइंड, अंदर से कोई भी चीज हमारे पास, मेजोरिटी चीज जो हमारे पास वो इंसिनरेशन के अंदर जाती है। हम ये नहीं करते कि जो मेडिकेशंस हैं उसका पूरा रिफिलिंग का प्रोसेस जो है वो बाहर आएगा फार्मेसी से, तो ये साइकिल हमने बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है ताकि इन्फेक्शन को किसी भी सूरत हम खुद से अपने पास ना बुला रहे हो, हम जितना बच सकते हैं हम उसको बचने की कोशिश जरूर करें। ये एक छोटा सा केस हुआ था, वो मैं चाहता नहीं था लेकिन फिर भी मैंने कहा ये बताना जरूरी है कि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम दवा बना लेते हैं लेकिन दवा बनाने के बाद उसको लेबल नहीं करते। इमरजेंसी के अंदर दवा बना ली और अपने पास रख ली, अपने जेब के अंदर रख ली, एट्रोपीन रख ली, साथ में एडिनिन रखी हुई है, साथ में नेलबुफिन भी रखी हुई है, तो 3-4 दवाएं जब एक साथ होती हैं और उसके अंदर हमें नहीं पता होता कौन सी दवा, अगर हमने लेबल नहीं करी है तो अल्टीमेटली देयर इज अ चांस कि हमें कौन सी दवा देनी थी और हम कौन सी दवा दे दें। तो अनलेबल ड्रग्स की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो एरर की तरफ आती हैं
और ये भी एक अनलेबल ड्रग का इंसिडेंट है जो पोटेशियम की वजह से हुआ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आई एम विद यू. काफी आपके पास है 10 मिनट, आपको 11 बज ओ के खत्म हो रहा था, हाँ आई थिंक कोई सो. है आपके पास कुछ और बताना? आपने राइट्स बता दी कि क्या यस चेक करनी है? राइट्स मैंने बता दिए हैं. बता दिया, पर्टिकुलरली जो राइट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, 5 राइट्स, उसके ऊपर होल डिस्कशन मेरा हो चुका है. और ठीक है. इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, ड्रग ट्रांसक्रिप्शन, ड्रग लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास कोई क्वेश्चंस तो नहीं आ प्रोटोकॉल्स. रहे. ओके कुछ सो और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो कर लीजिए. बस मैं अपनी फिर इसी स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा ठीक है, और श्योर बात करना चाहूँगा कि श्योर. हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर, हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर देर इज अ सम डिफरेंसेस. प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर लो रिसोर्सेज के अंदर हमें काम करना पड़ता है. लेकिन उस लो रिसोर्सेज के साथ हमें हर चीज़ को मैनेज करना होता है. हमें ये चीज़ पता होती है कि हमारे पास हर दवा अवेलेबल है जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मैनेजमेंट हमारी बड़ी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है. हम रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो रिसोर्सेज हमारे पास मरीजों के लिए अवेलेबल रहेंगे, और हम उन रिसोर्सेज से ही उस मरीज़ को ट्रीट करने के लिए काबिल होंगे, और अपने आप की अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी हो, हमारे लिए आसानी हो जाएगी. सो अभी हैप्पीनेस नीड्स नो एज, इज जस्ट नीड गुड पीपल. खुश रहें और खुशियां बांटें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सनी फॉर सच एन एंथुजियास्टिक प्रेजेंटेशन. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दे दी 20 मिनट में. सवाल आप पार्टिसिपेंट्स की तरफ से तो नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर फर्ज करें मेडिकेशन की कोई एरर हो जाए, आपने कोई गलती कर दी है बावजूद इसके कि आपने अपनी तरफ से सारी चीजें सही चेक की थी, तो फिर क्या करना चाहिए? हमें अगर कोई गलती हो जाती है तो हमें उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए. गलतियां 2 पैरामीटर पे होती हैं. एक तो जब हम दवा दे रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो बॉडी उस दवा के अगेंस्ट पे क्या रिस्पॉन्स करेगी. कुछ बॉडी दवा के अगेंस्ट रिस्पॉन्स अनइंटेंशनली कर भी जाती हैं और कुछ नहीं भी करती हैं. जैसे इवन बहुत सारों को ऑगमेंटिन एमोक्सिसिलिन प्लस क्लैवलुरिक एसिड से सेंसिटिविटी रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन कुछ मरीजों को हो जाती है. सेफ्ट्राएक्सोन सेंसिटिव होते हैं. तो जो चीज़ हम, अगर कोई एरर हम देखते हैं तो हम उसको डॉक्यूमेंट कर दें, ताकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट फेज के ऊपर अगर हम वो चीज़ देने के लिए जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि इससे ये चीज़ हो सकती है. जैसे आजकल की थेरेपी के अंदर, COVID-19 की मैनेजमेंट के अंदर दो दवा बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक एजिथ्रोमाइसिन, डेट इज रिकॉर्ड एज ए मेट्रोमैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, विद हमारे अस्पतालों के अंदर SCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी कहते हैं कि जी दैट इज ऑल्सो आर रिकमेंडेड दवा, मेडिकेशन फॉर द COVID-19. तो इन दोनों की दवा का एक इंटरेक्शन होता है कि वो कार्डियक पेशेंट को अगर आप देते हैं तो दैट मे कॉज अ QT प्रोलॉन्गेशन. कुछ मरीजों उससे सेंसिटिव होंगे, कुछ मरीज के अंदर ये सिम्टम नजर आएंगे आपको कि कार्डियक इवेंट हो रहा है, कुछ मरीज के अंदर नहीं आएंगे. तो इतना कमिंग बैक टू इम्पॉर्टेंट. माई क्वेश्चन सनी, अगर आपसे गलती होगी, एक तो आपने कहा डॉक्यूमेंट करें, और क्या स्टेप्स फॉलो करें? एक तो डॉक्यूमेंट करें, डॉक्यूमेंट कर दिया ना, लेकिन जैसे पेशेंट है वो तो नहीं पढ़ सकते. क्या पेशेंट को बताना जरूरी है कि आपको गलत डोज या गलत दवा मिल गई? नहीं मरीज को बताना जरूरी नहीं है. अपने आपके साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, आप पहले उनको इन्फॉर्म कीजिए. ऐसा ना करें कि फर्स्ट फेज के ऊपर ही जो है वो आप कोई ऐसी चीज क्रिएट कर दें जो हो सकता है कि उस दवा से नहीं किसी और दवा से वो भी हो सकती है. क्यों, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज एनालाइज किए बगैर मरीज को बता दी जाएगी. देखिए, मेडिकेशन एरर्स मेडिकल एरर्स में आती हैं जो गलती से होती हैं अगर सिस्टम सही डेवलप ना हो. अगर आपने पहले अपनी हेल्थ केयर टीम को बता दिया तो फिर टीम लीडर को तो अल्टीमेटली पेशेंट को बताना पड़ेगा ना कि गलती हो गई है, ताकि वो वॉच आउट किया जा सके. एट द एंड मरीज को बताना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि मरीज के भी हमारे लिए वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम उसको नहीं बताएंगे तो अल्टीमेटली उसको कैसे पता चलेगा दिस दिस इज एन एरर. एरर छुपाना नहीं चाहिए, एरर बताना चाहिए. बिल्कुल, थैंक यू सो मच सनी. एक सवाल ये है कि डस डिलेज इन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन आल्सो कम्स इन एरर? यस दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कुछ एंटीबायोटिक्स हैं ऐसी जो टाइम डिपेंडेंट हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है. बाज़ोकात ऐसा होता है कि मेरी ड्यूटी 2 बजे ख़त्म होनी है और मुझे 2 बजे उस दवा को एडमिनिस्टर करना था, तो मुझे जल्दी जाना है, तो मैं 1 बजे लगा कर चले जाऊँ. डैट इज़ वेरी रॉन्ग एंड अनएथिकल थिंग. ऐसा नहीं हो सकता कि एक दवा को पहले आप लगा दें या अपने नेक्स्ट 2 को शिफ्ट करके चले जाएं कि ये दवा जो है मैं लगाना भूल गई थी और आप जो है इस दवा को लगा दीजिएगा. अच्छा, बाज़ोकात ऐसा होता है, वो दवा जो है वो आप किसी नर्स ने किसी को दे दी या किसी
किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट हो गई और उसके अंदर बताया उसको ये गया कि जी ये दवा मैं मिस कर गई थी, आप दे दीजिएगा। तो वो दो डोजेस जो है वो एक साथ दे दी जाती हैं, उसको नहीं पता होता कि व्हाट गोज रॉन्ग विद द पेशेंट एज वेल। तो ये चीजें जो है वो एजुकेशन से, सिखाने से, बताने से इम्प्रूव होती हैं। पढ़ने का, लिखने का, बताने का मकसद ही यही है कि हम इन एरर को किस तरीके से रिड्यूस करें। सनी, अगला सवाल ये है कि जो एक्सपायर्ड मेडिकेशंस हैं उनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? एक्सपायर्ड मेडिकेशन तो नॉट रिकमेंडेड टू गिव इट टू एनी पेशेंट। साइड इफेक्ट्स तो बहुत दूर की बात है। मेडिकेशन का जो साइड इफेक्ट होगा वो एक्सपायर्ड मेडिकेशन एक तरीके का और रिस्क होता है कि आप उस साइड इफेक्ट या उससे कोई भी अलग इफेक्ट उस मरीज के साथ आ सकता है। एक्सपायरी मीन्स दैट मेडिकेशन इज नॉट टू बी यूज टू एनी ऑफ द पेशेंट। दैट इज द इम्पॉर्टेंट है। मीन्स एक दवा, जैसे हम अपनी नाम आम हेल्दी लाइफ के अंदर एक एक्सपायर्ड दूध का डब्बा लेना पसंद नहीं करते, यानी कि जो अगर दूध अगर हमें एक्सपायर्ड कोई देते तो हम कहते हैं कि भाई ये तो एक्सपायर है, ये हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसी तरीके से ये तो दवा है, हम दवा देने के लिए जा रहे हैं किसी मरीज को और हमें सोचना पड़ेगा कि हम एक्सपायर्ड मेडिकेशन अगर दे दें तो अगर वो दूध रिएक्शन कर सकता है तो ये दवा है, ये दवा इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई एम नॉट सेइंग एनीवन एनीथिंग अबाउट इट कि जी एक्सपायर्ड मेडिकेशन से क्या साइड इफेक्ट होंगे, बट आई एम आप ये रिकमेंड करते हैं कि एक्सपायरी डेट चेक करना जो दवा एडमिनिस्टर कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है, जो कि दवा एडमिनिस्टर कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है एक्सपायरी डेट चेक करना। इट्स अ होल प्रोसेस। जो फार्मेसी दवा डिस्पेंस कर रही है उनके पास स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं कि वो 3 मंथ की एक्सपायरी, 6 मंथ की एक्सपायरी चेक कर रहे होते हैं, उनके पास पूरा स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल होता है और उसके बाद ही वो दवा मरीज तक जाती है। चेक एंड बैलेंस इन एवरी वेयर कि एक फार्मेसी से दवा नहीं, आपने बताया था हमें कि तीन जगह एटलीस्ट चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। जो छोटे हॉस्पिटल हैं, जो ओवरवर्क्ड हॉस्पिटल हैं, अगर उनमें से किसी एक जगह गलती होती है तो बाकी दो पॉइंट्स लिए रखे जाते हैं कि वहां पर वो एरर पकड़ी जाए। तो इसलिए हर स्टेप पे हर एक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो एक्सपायरी भी चेक करें, डोज भी चेक करें, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, सब चीजें चेक करें। जैसे मैंने अभी लोकल लाइफ में कहा इतने सारे एम्प्यूल आपको एक जैसे नजर आ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि आप दवा का नाम जरूर चेक कीजिए, दवा की स्ट्रेंथ जरूर चेक कर लीजिए। जो वाइल आपने एम्प्यूल उठाया है उस दवा की उतनी ही स्ट्रेंथ है, फिर उस दवा के साथ साथ आप एक्सपायरी भी जरूर चेक कर लीजिए कि उस दवा को कोई ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई ऐसी दवा उठा ली जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। बात अब बात हो जाता है आप कितने अच्छे सिस्टम्स हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई देयर इज अ 1% 0.5% चांस ऑफ एन एरर। तो इट्स वेरी गुड, वेरी गुड कि हम हर स्टेप्स के ऊपर हर चीज को चेक करें, बार बार करें, ताकि उस दवा को मरीज को देने से पहले हम अपने जितने सेफ्टी पैरामीटर्स ले सकते हैं वो जरूर लें। okay. ताकि हम उसको अगला सवाल सनी ये है कि हाउ लॉन्ग मेडिकेशंस कैन बी सेव्ड इन द सिरिंजेस? ओके, इट मे वेरी अ ड्रग टू ड्रग, डोजेस टू डोजेस, वेरी वेरिएबिलिटी है। जैसे कि एक दवा है, अगर उसको मैं डाइल्यूट कर लूं तो उसके बाद उसकी स्टोरेज क्राइटेरिया 2 to 8 degrees centigrade फॉर 3 days। कुछ एंटीबायोटिक्स हमारे पास ऐसी होती हैं कि जिनको हम डाइल्यूट कर लेते हैं, सिरिंजेस के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद उसकी एक्सपायरी लेबल कर लेते हैं। इसी वजह से हम डॉक्यूमेंट करते हैं उसके ऊपर कि ये दवा हमने इस तारीख को इतने बजे डाइल्यूट करी और इस दवा को इस टेम्परेचर के ऊपर, इस क्राइटेरिया के ऊपर स्टोर करेंगे तो इतने दिन तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे पास ये चीज मिसिंग है बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अंदर, छोटे अस्पतालों के अंदर, डिफरेंट जगहों के ऊपर जब हम जाते हैं तो ये चीज मिसिंग आ रही होती है। तो हम जरूर एजुकेट करते हैं जितने लोग वहाँ इन्वॉल्व होते हैं कि जब हम ये छोटे छोटे स्टॉप्स ले लेंगे, पहले लेवल बना लेंगे, जिस टाइम पे डाइल्यूट कर रहे हैं, जिस टाइम पे लिख रहे हैं, जिस इंग्रेडिएंट के अंदर, मीन डेक्सट्रोज के अंदर स्टेबिलिटी अलग है, रिंगर के अंदर स्टेबिलिटी अलग है, नॉर्मिस्टाइन के अंदर स्टेबिलिटी अलग है, तो ये अलग अलग स्टेबिलिटी के पैरामीटर्स की वजह से हम उस चीज को जो उसका ऑथराइज्ड है, मींस अगर फार्मासिस्ट नोज अबाउट इट कि उसको पता है कि इस दवा की जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो मैंने इसके अंदर डॉक्यूमेंट कर दिए, मेंशन कर दिए, किसी मेडिकेशन नर्स को बता दिए, तो वो चीज अच्छी डॉक्यूमेंट हो जाएगी, तो वो राइट मेडिकेशन मरीज को मिलेगी। ठीक है। अच्छा सनी, अगला सवाल ये है कि प्री टेस्ट में एक क्वेश्चन लोगों ने कहा कि था कि अगर आप जल्दी में हैं तो बहुत सारी सिरिंजेस साथ बना लें। अब ये चीज सवाल, ये सही है करना या गलत है, इस पे जरा रोशनी डालिए। बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल ना करें। मैंने ये सवाल इसी वजह से डाला है कि नॉर्मल लाइफ के अंदर प्रैक्टिसेस देखी है मैंने कि वो अपने साथ जो है वो 4 सिरिंजेस पहले से बना के रख देते हैं। जैसे मैंने कहा एट्रोपिन रख लिया, एड्रेनालिन रख ली, नेलबुफेन रख लिया, प्रोपोफोल रख लिया,
तो ये सारी दवाएं अपने साथ बना के अपने पॉकेट्स के अंदर, अपनी सिरिंजेस के अंदर जो कि अनलेबल होती हैं, वो अपने साथ रख के चल रहे होते हैं कि किसी भी वक्त मरीज के साथ कुछ भी होगा तो मैं दवा दे दूंगा। बट दैट इज नॉट द राइट वे। आप दवा अपने साथ रखें, मरीज की सेफ्टी के लिए रखें, बट उसको प्रॉपरली लेबल जरूर कर लें, उसके ऊपर प्रॉपरली डेट जरूर डाल दें कि आपने ये दवा डाइल्यूट करी। वो ओवर टू ओवर ना चल रही हो कि वो दवा सुबह एक एमपीयू से ड्रॉ की गई और अगले दिन सुबह तक चल रही है, या वो दवा एक सुबह ली गई और वो जो है वो तीन दिन तक चल रही है। बहुत सारे सवाल हैं, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा कट शॉर्ट इसलिए कर रही हूँ कि सवाल बहुत सारे आ गए। अच्छा मुझे ये बता, एक सवाल ये पूछा गया है कि हाउ मेडिकेशन एरर इज डिपेंडेंट अपॉन पर्सनल नॉलेज एंड यू नो पर्सनल एरर्स, इंडिविजुअल्स एरर्स। जहाँ तक मुझे आपकी प्रेजेंटेशन से समझ आया कि जब सिस्टम सही डेवलप किए जाते हैं तो एक बंदे की गलती से वो एरर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम तीन लोग मुख्तलिफ जगहों पर उसको चेक कर रहे होते हैं। तो अगर कोई पर्सनल एरर करे, जैसे लास्ट पॉइंट तो नर्सिंग या टेक्नीशियंस का है या नर्सिंग असिस्टेंट्स का जो दवा प्रिपेयर करते हैं या देते हैं, अगर वो गलती करें तो फिर गलती हो सकती है क्या? डेफिनेटली। देखें मैंने वही कहा कि अभी एक एग्जाम्पल दी थी मैंने, एक छोटी सी एग्जाम्पल दी थी कि कोलोमाइसिन एक दवा है, कोलिस्टिमेटेड सोडियम, जो मरीज को चलती है 3 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट एवरी 8 आरडी। तो एक नर्स ने एक किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी कि जी ये 3 वाइल जो है ये मरीज को लगा देने। अगर वो 3 वाइल की जगह 2 वाइल लगा दे या 1 वाइल लगा दे या एक एक वाइल हर 8-8 घंटे के ऊपर लगा दे, उसको सही से एजुकेट ना किया जाए, तो ये वो एरर है जो वो इन पर्सन की वजह से हुआ। वो अगर अच्छे से बताती हैं, अच्छे से कम्युनिकेट करती हैं, अगर उसको प्रॉपरली बताती तो अल्टीमेटली ये चीज़ हमें एनालाइज नहीं करनी पड़ती कि हम जाके नहीं पूछते कि ये 1 वाइल क्यों लगा या 2 वाइल क्यों लगा या 3 वाइल क्यों लगा। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उसको बताते हैं, एजुकेट करते हैं। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों के अंदर अब चेंजेस आ रही हैं। अब पब्लिक सेक्टर के अंदर भी दवा जो है वो फिनिश फॉर्म के अंदर एंटीबायोटिक जो है वो मरीज के पास तक जाती है ताकि इन एरर्स को मिटिगेट कर सके, खत्म कर सके, ताकि वो दवा जो है डाइल्यूटेड कर दें, उसको फिनिश करा दें। उसको पता होगा कि भाई ये 3 मिलियन का ही एक पूरा बैग बना हुआ है एंड दैट मेडिकेशन इज गिवन टू द पेशेंट। थैंक यू सो मच सनी। अगला सवाल ये है कि अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है तो फिर भी क्या दवा को लेबल करना चाहिए? नो, मैं ये नहीं कहूंगा। देखिये दवा लेबल करना वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेकिन अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और आपने कोई स्टैट के अंदर दवा देनी है, जैसे कि स्टैट के अंदर सेडेशन करनी है, स्टैट के अंदर कोई, जब आपने वो दवा उस मरीज के लिए ही विड्रॉ करी है, किसी और के लिए नहीं करी है, तो जब आप वो मरीज के लिए विड्रॉ करते हैं तो उस मरीज को दे देते हैं और वो दवा उसी मरीज को लगती है, वो एक दवा जो किसी मरीज के लिए थी किसी दूसरे को नहीं लगेगी। लेकिन अगर इमरजेंसी में आप 2-3 दवाएं इकट्ठी ड्रॉ कर रहे हैं एक पेशेंट के लिए, तो फिर तो लेबल करना जरूरी होगा ना, कि आप आपस में उनको मिक्सअप ना कर दें। एक सिरिंज सिर्फ अनलेबल जो उसको पता होगा जिसने निकाली है वो दैट इज गोइंग टू बी अलाउड एट सम टाइम, बट उससे ज्यादा एक से ज्यादा सिरिंजेस की इजाजत नहीं। ठीक है, अच्छा अगला सवाल ये है कि हाउ टू फाइंड आउट दैट द कोल्ड चेन हैज बीन ऑब्जर्व्ड और नॉट। इसलिए कि जो एंड यूजर है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है ये जानना कि पीछे से दवा जब आ रही थी तो कोल्ड चेन मेंटेन हुई है या नहीं हुई है। नहीं देखें, इसमें दो, मैंने कहा इट्स फ्रॉम द लीडर ऑफ द हॉस्पिटल टिल द जो अस्पताल के अंदर एक प्यून होता है, वो उन सब के पास एक स्ट्रेटजी होती है, एक अलाइनमेंट होती है, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट कि सिस्टम के अंदर ये चीज मेंटेन होकर आ रही है। अगर हम कोई चीज क्लेम कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि ये दवा कोल्ड चेन मेंटेन्ड हो गए एंड यूजर तक पहुंची है, तो हम उसके सारे पैरामीटर्स दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, व्यू करा सकते हैं, देयर इज एन ऑडिट पैरामीटर्स एज वेल। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए भी उतनी, क्योंकि हम ये समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि दवाओं को एक खास टेम्परेचर के ऊपर ना रखा जाए तो वो अपनी एफिकेसी लूज कर देती है। तो उसके पैरामीटर्स जितने भी हों, चाहे वो मैंने वही एक स्लाइड रखी थी अपनी सप्लाई चेन की, लेकिन मैंने उसको इतना ज्यादा एलिबरेट इस वजह से नहीं किया, द ऑडियंस हुम आई गोइंग टू डिलीवर इज द मेरे साथ वो लोग हैं जो दवा की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट पार्ट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट फोकस ऑन द कोल्ड चेन मच मोर। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर किसी एक वैक्सीन के लिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकमेंडेड है तो वो दवा -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहे। थैंक यू सो मच सनी। हमारे पास 2 मिनट और हैं, एक सवाल और है, उसके बाद आपने कोई बात कहनी हो तो आप कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, हाउ टू मेक श्योर दैट द ड्रग कंपैटिबिलिटी रिएक्शन, देयर इज नो ड्रग कंपैटिबिलिटी इश्यूज बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन। देयर इज नो ड्रग कंपैटिबिलिटी इश्यू, आई डोंट नो, इसका सवाल का मुझे खुद नहीं समझ आया।
एनीवे मेरा ख्याल आप पूछना ये चाह रहे हैं कि कोई इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं है, वो कैसे आप चेक करते हैं? वो बेसिकली हमारे पास ASHP के कुछ टूल्स हैं, हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हम मालूम कर लेते हैं कि ये दवा किस किस के अंदर कंपेटेबल है। अगर ड्रग लिटरेचर देखेंगे आप तो इस ड्रग लिटरेचर के अंदर भी लिखा होता है कि डेट सेफ्ट्रैक्सोन इज कंपेटेबल विद नॉर्मल स्लाइम, विद कंपेटेबल विद 5% डेक्सोज, विद कंपेटेबल विद रिंगल लैक्टेट। तो वो कंपेटेबिलिटी IV की उसके दवा के लिटरेचर के अंदर अवेलेबल होती है, मिल जाती है। तो आप अपनी फार्मेसी से भी कॉल करके पूछ सकते हैं। यस, यू कैन इजीली कॉल देम। हमारे यहाँ नर्सेस पूछ लेती हैं कि ये बता दीजिए सही भाई, आई वांट टू नो कि अगर मैं इस दवा को डाइल्यूट करना चाहती हूँ तो कितने मैक्सिमम मिलीग्राम कितने ML के अंदर डाइल्यूट कर सकती हूँ। बिल्कुल, अगर मुझे वॉल्यूम रिस्ट्रिक्शन पे जाना है तो मैं ये दवा एक अगर 1 ग्राम लेना चाहती हूँ तो मिनिमम वॉल्यूम मेरे साथ क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? आजकल उन हॉस्पिटल्स में जहाँ पे फार्मासिस्ट हर वक्त अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास ऑनलाइन काफी अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ये आप पता कॉल करने कर के सकते लिए हैं। कि कैसे किसमें क्या कंपेटिबल कौन सी चीजें।